السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم लिबास तुम लिबास वक़ाल नबी वसा हुनति मोहतरम नाज्रन किराम जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वाक़ और इबरतें इसनवान के तहत जोली वनवान इससे पहले आपके सामने आया निकाह शादी बिया और जहेज़ उसी की दूसरी किस्त लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबार को मुझे हक़ कहने आपको भी और मुझे भी उस हक़ पर अमल करने की तोफ़ी नायत फरमाया आमीन निकाह शादी और बियाह के ताल्लुक से जैसा कि इससे पहले पार्ट में बात चल रही थी कि शादियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुई हैं ख़ुद अल्लाह के रसूल ने शादियाँ की हैं शादियाँ सहबा इकराम की हुई हैं शादियाँ अल्लाह के रसूल ने अपनी बच्चियों की, की हैं शादियाँ सहबा इकराम ने अपनी बच्चियों की, की हैं और ये एक ऐसा सिलसिला है जो अल्लाह ने क़ायम फरमाया है कि ये इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ मसला है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने निकाह के ताल्लुक से बयान फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती निकाह मेरी सुन्नत है और एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल ने दूसरे मौके पर फरमाया फमन रागीबा अन सुन्नती फलई समन्नी कोई भी आपकी किसी भी सुन्नत से अगर आराज करेगा तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया मेरे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जहां हम आमली जामा पहनाएं वहीं हमें ये भी ध्यान और ख़याल रहना चाहिए कि कहीं सुन्नत के नाम से कुछ ऐसी रस्म व रिवाज ऐसे काम हमसे सरजद ना हो जाए जो हमारे लिए गुनाह का बाइस बने हमारे लिए नुकसान का बाइस बने हमारी तबाही का वो सामान लेकर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को एक किस्म से उभारते हुए फरमाया माशर शबाब मनस्तः अमिन कुमुलबाअलियतवज ए जवानों जो तुम में शादी की ताकत रखता हो शादी की ताकत एक तो ये है कि जिस्मानी ताकत होनी चाहिए दूसरे शादी के बाद जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरियात इंसान की ज़िंदगी में आती हैं क्योंकि एक पार्टनर आ रहा है आप मोटा झोटा खा लेते हो वो भी खाएगा आपके साथ लेकिन आपको उसका ख्याल रखना है आपको उसके कपड़े का ख्याल रखना है उसके खाने का ख्याल रखना है उसके रहन सहन का ख्याल रखना है इसलिए उसकी अगर ताकत है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फल या तजवज तो उसको शादी करना चाहिए और एक और फ़ायदा अल्लाह के रसूल ने शादी का बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी शादी कर लेता है फ़ा नहु आगतुलिल्बसरी बसरी वाहसनुलिल फरजी कि शादी करने के बाद जो निगाहें बहकती हैं जो निगाहें गलत उठती हैं जो निगाहें इधर उधर घूमती और फिरती हैं वो इंसान उससे बच जाता है और असल फ़ायदा आपने बयान फरमाया वाहसनुलिल फरजी वो तुम्हारी शर्मगा की भी हिफाजत करेगा निका अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया कि कान का भी जिना है आँख का भी जिना है जबान का भी जिना है और असल जिना शर्मगाह का ज़िना है इंसान को वो सारे काम जो बड़े ज़िना का बाइस बन सकें वो सारे के सारे दरवाज़े बंद रखना चाहिए इंसान कोई ऐसी बात अपने कान से न सुने अपनी आंख से न देखे अपनी ज़बान से न कहे जिससे इंसान उस हलाकत तक पहुंच सकता हो जिसे जजना कहा जाता है और अगर इंसान अपने आप को बचा लेता है तो अल्लाह के रसूल ने उसको बड़ी खुशखबरी से नवाजा है एक मौके पर आपने फरमाया जो आदमी मुझे सिर्फ दो चीज़ें दे दे मई यसमन ली माँ बई नई वो ना रिजले ही आसमन लहुल जन्ना दो चीजें मुझे दे दे एक तो दो होठों के बीच की जो जबान है वो दे दे दूसरे दो पैरों के बीच में जो शर्मगा है आपने फरमाया वो शरीय इस्लामिया के मुताबिक गुजारने लगे तो आपने फरमाया कि उसको जन्नत की कुंजी मैं देता हूं निकाह शादी बिया दीन इस्लाम ने दरअसल एक सिस्टम को कायम करने के लिए माशरे को ताहिर और पाकिज़ा बनाने के लिए माशरे से बुराइयों को ख़त्म करने के लिए और उसे जड़ से उखाड़ने के लिए सुन्नत करार दिया है अल्लाह के रसूल ने तो इसमें एक चीज़ और बयान फरमाई आपने फरमाया फ जब वजू अल अलूदा फ इन मुका कुमुल उमामा जब शादियां करो तो शादियां करते वक्त इसका ख्याल रखो कि ऐसी औरतें मंतखब करो जो तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करती हों और फरमाया ऐसी बीवी तलाश करो जो बच्चे भी ज़्यादा जनती हो आपने बयान फरमाया वो इसलिए कि मैं क्यामत के रोज जहां दीगर अंबिया की उम्में आएँगी एक सवाद आजम होगा हरत मूसा अली सलातम का एक सवाद आजम होगा हजरत ईसीतलाम का तो मैं समझता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ अपनी उम्मत से कि मेरी उम्मत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उस उसयामत के रोज़ मैं तमाम उम्मतों पर फ़ख्र हासिल कर सकूँ शरीत इस्लामिया ने निका के बंधन को बहुत आसान किया है ये हमारे माशरे ने हमारी सोसाइटी और माहौल ने यह हमारा जो गलत चलन है इस्लाम के तई उसने हमें इतनी दूरी पर लाकर खड़ा कर दिया है कि इस्लाम अगर एक सिरे पर है तो आज हमारी ज़िंदगी दूसरे सिरे पर खड़ी नज़र आ रही है और ये दूरियां दिन दिन हमें इस्लाम से अल्लाह की रज़ा से दूर करती जा रही हैं हमारे ज़िंदगी के सुकून को चैन को अमन को ये बर्बाद करती जा रही देखिए शादी निकाह बिया के ताल्लुक से अगर आप देखेंगे तो अल्लाह के रसूल ने एक शादी नहीं की जितनी भी शादियाँ अल्लाह के रसूल की हुई हैं उसमें किसी भी ताल्लुक़ से पैसे का लेन देन किसी भी ताल्लुक़ से दरमो दीनार का इसराफ कहीं आप नहीं बता सकते चाहे वो शादी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तालना से हुई हो चाहे वो शादी हजरत हफसा रदी अल्लाह तालना से हुई हो या इनके अलावा जो दीगर अजवाज मतहराज से आपने शादियां फरमाई हैं शादी निकाह और बिया तो अलग चीज़ जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने वलीमा सुनक करार दिया उसके बारे में भी जब अदीस हम पढ़ते हैं तो हमें अदीस में मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने वो भी बहुत सदा फरमाया कभी आपने निका फरमाया और वलीमे के तौर पर सिर्फ दूध का एक प्याला पेश कर दिया एक राम ने थोड़ा थोड़ा उसको पिया और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम का वलीमा हो गया एक मौके पर हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने शादी फरमाई और उस शादी के अंदर वलीमे के तौर पर आपने सत्तू खजूर और कुछ घी और पनीर डाल दिया दस्तरखान पर साहबा ने उसको तनावल फरमाया अल्लाह के रसूल का वलीमा हो गया और ऐसी भी यह हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल सलाम ने निकाह किया और जब आपने वलीमा किया तो साहबा से फरमाया कि आज मेरे घर पर आज मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है तुम अपने अपने घर से अपने अपने पास से खाने की अशिया लाओ और मेरे दस्तरखान पर डाल दो ऐसा ही हुआ साहबा ने बैठ कर फिर उसको खा लिया अल्लाह के रसूल सल्लम का वलीमा हो गया कितना सादा है इस्लाम कितनी सादगी सिखाई इस्लाम ने निकाह, शादी और बिया के ताल्लुक से इतनी सादगी है इस्लाम में कि हजरत अल्लाह तआला तु मशहूर ताबई हैं बड़ा मुकाम है बड़े महद्दस हैं बड़े उनके शागिर्द हैं बड़ा उन्होंने काम किया है अल्लाह तबारक वाले ने जो लड़की की शक्ल में एक बच्ची उनको दी उसको बड़ा दीनदार उन्होंने बनाया तालीम के जेवर से उन्होंने आस्ता किया और तारीख ये बताती है कि देखने में भी अल्लाह तबारक वाली ने बच्ची को बड़ा खूबसूरत बनाया बादशाह वक्त ने अपने बच्चे के लिए रिश्ता भी मांगा और उस बच्चे के लिए मांगा जो बादशाह के बाद वली बनने वाला है लेकिन हजरत सैद अब रहमतुल्लाह अलैह ने वो रिश्ता ठुकरा दिया और कितनी सादगी से अपनी बच्ची का निकाह किया वाक्य सुनने के बाद आप भी हैरत करेंगे लेकिन बात सिर्फ हैरत तक नहीं रहनी चाहिए समाज सुधारने के लिए बनाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा हमसे मुराद ओलमा को आगे आना पड़ेगा जिम्मेदारों को आगे आना पड़ेगा समाज में जिनको लोग जानते हैं जिनकी कुछ पोजिशन है उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और सीधी बात तो यह है जिनको अल्लाह ताला ने पैसे से नवाजा उनको और आगे जाना पड़ेगा हजरत सैबलमसैब रहमतल्ला आल ने क्या किया कि एक दिन दो दिन गुजर गए कई दिन के बाद उनका एक शागिर्द आया जो कई दिन गैर हाजिर रहा बला लाइक शागिर्द था पढ़ने में बहुत तेज था दीनदार भी था मुत्तकी परहेजगार भी था जहदो तकवाला था नौजवान था उससे वजह पूछी कि तुम कई दिन से सबक में नहीं थे कहां चले गए थे तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे बता नहीं सका मेरी बीवी का इंतकाल हो गया उसकी वजह से मैं कई दिन तक दर्श में हाजिर नहीं हो सका हजरत मुसैब ने बातों बातों में उनको टटोला टटोलने के बाद उनको एहसास हो गया कि ये शादी के ख्वाहिशमंद हैं निकाह अपनी बच्ची से पढ़ा दिया और उसके बाद बच्चा अपने घर चला गया ये मशहूर ताबी अपने घर चले गए शागिर्द कहते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मैंने आवाज़ दी पूछा तो पता चला कहा कि मैं सईद हूं सईद इब्न मुसैब आएंगे ये मुझे वहमो गुमान में भी नहीं था क्योंकि बाहर निकलना बाजार घूमना उसका उनके पास वक्त ही नहीं था लेकिन जैसी मैं बाहर आया तो मेरी हैरत बढ़ गई हैरत इस मान में बढ़ गई कि वो अपनी बच्ची को साथ में लिए हुए और कह रहे हैं कि जिसका निकाह तुमसे मैंने किया है वो तुम्हारे ही साथ रहे तुम्हारे घर में रहे तुम्हारी छत के नीचे रहे अब उसकी वही जगह है छोड़कर चले गए इतनी सादगी से निका हो रहा है इतनी सादगी से निकाह हो रहा है अल्लाह के रसूल ने अपनी बच्चियों के निकाह किए आपने हजरत जैनब का निकाह किया हजरत रुकै का निकाह किया हजरत उम्म कुलसूम का निकाह किया हजरत फातमत जहरा रजी अल्लाह का निकाह किया मैं यहां ज्यादा तो नहीं कलाम करूंगा लेकिन इतना जरूर आरस करूंगा कि हजरत रुकै रजी अल्लाह तजरत उम कुलसूम रजियला तह का निका तो एक के बाद एक जब उनको तलाकें हुई थी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तु से उनका निकाह हुआ और उस्मान गनी के बारे में आप जानते हैं कि अल्लाह ने कितना माल से नवाजा था ये लोगों को नवाजते थे लोगों की परेशानियों में काम आते थे गरीबों के साथ मोहताजों के साथ बेवाओं के साथ यतीमों के साथ मजबूरों के साथ बीमारों के साथ हमेशा सहारा बन के खड़े रहते थे लेकिन रसूल की बेटी उस्मान गनी के यहां एक नहीं दो आई लेकिन पैसे के ताल्लुक से कहीं भी कुछ भी मिलता ही नहीं कि किस्मान गनी ने पैसा खर्च किया हो शादी के नाम पर बिया के नाम पर निकाह के नाम पर और बहुत ज्यादा चर्चे में ये बात है कि हजरत फातमत ज़हरा रदी अल्लाह तिका अल्लाह के रसूल ने किया उसमें अल्लाह के रसूल ने जहेज दिया था मैं ऐसी बातें कहने वालों से सबसे ज्यादा माजरत करते हुए अर्ज करूंगा कि अभी गहरे मताले की जरूरत है अभी किताबों को मजीद पढ़ने की जरूरत है अभी हवाले तलाश करने की जरूरत है जितनी भी रिवायात इस ताल्लुक से आती हैं, आप उन सबको इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद हजरत फातमत जहरा रदी अल्लाह तला की शादी किस अंदाज से हुई है कैसे हुई है वो पढ़िए हमें तो यही मिलता है कि जब अल्लाह के रसूल ने शादी का इरादा फरमाया मौका नहीं है तफसील में जाने का मुख्तना अर्ज यह है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से पूछा है तुम्हारी क्या मिल्कियत है तो उन्होंने कहा कि यह ज़रा मेरी मिल्कियत में है आपने वो ले ली बाज रिवायत में इसके अलावा भी आता है कि कुछ और सामान लिया और हजरत बकर सद्दीक और दीगर साहब इकराम को आपने ज़रा बेचने के बाद पैसा जो आया वो दिया कि ये फला चीज ये फला चीज़ ये फला चीज़ चीज, उसमें चक्की है मशकेजा है चारपाई है और कुछ सामान है वो खरीदवाया और जो बचा अल्लाह के रसूल ने वो महर में बांध दिया ये रसूल का पैसा नहीं है अल्लाह के रसूल का ये तो हजरत अली की जिरा है जो रसूल्लाह ने फरोख्त कराई है उससे जो पैसा बचा है वो महर में और जो सामान खरीदा वो भी हजरत अली की जिरा से बेचने के बाद सामान खरीदा गया है और अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत फातमा को जहेज दिया तो मसावत बरतने वाला अदल का पैकर पैगंबर क्या ऐसी बे इंसाफी करेगा कि एक बेटी को जहेज देगा और तीन बेटियों को महरूम रखेगा यह अकल में आने वाली बात है जो दर्श देता हो जो किताब सुन सुनाता हो जो शरीय समझाता हो जो शरीय को नाफि करता हो वो ऐसा फाल्ट करेगा इस ताल्लुक से ईमानदाराना जिंदगी गुजारने की जरूरत है निका शादी और ब्याह के ताल्लुक से जो आज हमारी जिंदगी के अंदर रस्म व रिवाज के नाम पर जहेज ने ऐसा हमारे माशरे को जकड़ लिया है कि रोजाना फितने हो रहे हैं रोजाना दिक्कतें पैदा हो रही हैं समाज टूट रहा है घर बिखर रहे हैं तलाकें हो रही हैं बच्चियां रो रही हैं बच्चियां मर रही हैं बच्चियां डूब रही हैं बच्चियां फांसी के फंदे को सुकून और राहत समझ रही हैं मैं ऐसे सारे जिम्मेदारान से और खास तौर पर नौजवानों से अर्ज करूंगा कि वो थोड़ा सा अपनी समझ बढ़ाएं और समझ में ईमानदारी पैदा करें मैं इस ताल्लुक से एक वाक्य आपको बयान करता हूं मीर तकी मीर का नाम आपने सुना होगा जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ था उस जमाने का शायर है अल्लाह ताला ने एक बच्ची दी उसे पढ़ाया लिखाया नेक बनाया और जब शादी के काबिल हो गई वो बच्ची तो रिश्तों पर रिश्ते आने लगे क्योंकि मीर तकी मीर की बच्ची है बर्र सगीर का बड़ा शायर है उसकी बच्ची है लेकिन जितना रिश्ता करीब आता और करीब आकर देखता कि मीर तकी मीर शेर में मालदार है लेकिन पैसे से गरीब है तो रिश्ते वापस जाने लगे जाने नहीं लगे वक्त आया कि रिश्ते आने बंद हो गए एक दिन मीर तकी मीर ने अपने साथियों को दोस्तों को बिठाया और उनसे मशवरा किया कि यह तो बड़ा मुश्किल दौर आ गया है बच्ची निकाह के बंधन में बंधनी चाहिए और ऐसा हो रहा है कि रिश्ते ही आने बंद हो गए हैं जहेज के बगैर कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं अच्छा रिश्ता तो क्या हुआ मीर तकी मीर ने दोस्तों के कहने से दोस्तों ने कहा तुम हो तुम्हारी ये औलाद अरे ऐसा करो गिरवी रख दो अपना मकान कुछ पैसा लो जहेज तैयार करो और बच्ची को निकाह के बंधन में बांध दो ऐसे ही मीरत मीर ने एक बनिए के यहां गए और उससे जाने के बाद कुछ कर्ज लिया सामान तैयार किया रिश्ता तलाश किया और बच्ची को निकाह के बंधन में बांध दिया बच्ची का वो वक्त आ गया कि अपने घर से पैर निकाल रही है अपने शोहर के घर मुंतक होने जा रही है अभी कभी इससे गले मिलकर रोती है कभी उससे गले मिलकर रोती है कभी उससे गले मिलकर रोती है अब बिल्कुल करीब के अपना घर छोड़ रही है तो रोते रोते सहेली के गले से लग गई और तड़प तड़प कर रोने लगी उस बच्ची से रहा ना गया जो उसकी सहेली थी उसने कहा जा तू आबाद हो गई जा तू आबाद हो गई तुझे सब कुछ मिल गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया उसने कहा क्या कह रही पगली आज के दिन से ज्यादा मेरा बाप कभी खुश नहीं मैं जानती हूँ मेरे बाप की ये आखिरी तमन्ना थी ये पूरी हो गई कि जो बात मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानती मैं रात में घर थी अब्बा देर से आए आपके घर से आए और जहां बातें चली वो अम्मा से बता रहे थे कि मीर तकमीन ने सारा जहेज अपना घर गिरवी रख के तैयार किया है बच्ची चली जाएगी दो तीन दिन के बाद घर खाली करके पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ चला जाएगा ये बच्ची ने सुना कि अब्बा ने यह किया है ये गम उसके दिल में बैठ गया लेकिन बाप की इज्जत रखने के लिए बच्ची इस घर से उस घर मुंतकिल हो गई लेकिन सदमा लेकर गई एक बड़ा रंज लेकर गई एक बड़ी तकलीफ लेकर ले, कर ले कर गई उसी तकलीफ में कुड़ती रही कुड़ती रही कुड़ती रही तारीखी बताती है कि रात पूरी ना पकड़ सकी ये मीर तकी मीर की बच्ची और इंतकाल हो गया मीर तकीमिर को बताया गया मीर तकी मीर आए जब आए तो बच्ची की लाश पड़ी थी पूरे जिसम पर लाश पर चादर ढकी थी बस मीर तकीबीन ने चेहरे से चादर हटाई और हटाने के बाद मीर तकीबीन ने शेर कह दिया और शेर ये था कि अब आया है ख्याल अब आया है ख्याल आरा आराम जहाँ इसना मुरादी में कफन देना हम तुझे भूले थे असबाब शादी में मैं अपने जवानों से अर्ज करूंगा क्या ये आखिरी ख्वाहिश की भी तमन्ना करते हो कि बच्ची का बाप बाकायदा जहेज के अंदर कफन भी अपनी बच्ची का लपेट कर दे कहा इंसानियत खो रही है कहा समाज बर्बाद हो रहा है और इस्लाम का नाम लेने ले वाले अमन और शांति का दर्ज देने वाले रसूलुल्लाह की दुहाइया देने वाले रसूल से मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले लोग अगर वो भी इसी तरह की हरकतें करेंगे और उससे समाज टूटेगा माशरा टूटेगा तो फिर हम कहां के मुसलमान हैं कौन से मुसलमान हैं कौन सा दिन हमारा है हमें तो पूरी दुनिया के अंदर शांति अमन सुकून चैन राहत की बातें करनी चाहिए और ये तभी मुमकिन है जब हम आज के इस माशरे के अंदर निकाह शादी और बिया के ताल्लुक से जो जहेज ने कैंसर का एक रूप ले लिया है उसको समाज से हम हटाएंगे, ख़त्म करेंगे मुझे उम्मीद है कि हमारा माशरा सही माना में इस्लामी तो माशरा बनेगा और हम इस्लाम को समझने की मुकम्मल कोशिश करेंगे तो निकाह, शादी और ब्याह के ताल्लुक से जहाँ आपको दो पार्ट में ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप शरीयत को जिस तरह नमाज में इबादात में अखलाकियात में मामलात में समझने की कोशिश करते हैं उसी तरह याद रखिए शादी निकाह और ब्याह के ताल्लुक से भी हमें शरीयत को समझना चाहिए और अगर हमारे माशरे के अंदर कोई कोताही है हमारे अंदर अपने कोताही है तो माल कमाने के अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते दिए हैं उन हलाल रास्तों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जहेज जैसी लानत से खुद बचना चाहिए माशरे को बचाना चाहिए इसको जितना भी आम हो सके फैलाना चाहिए और उसके फैलने मेंलामा को सब आगे आना चाहिए ऐसी शादियों कालमा अगर बायकाट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जहेज की लानत से हम बच सकेंगे अल्लाह तबारक ताल से दुआ है कि अल्लाह तबारक निकाह शादी और ब्याह को भी इस्लामी जो इस्लाम का अपना तरीका रहा है रिवाज रहा है वो इसदगी हमारी जिंदगी में पैदा फरमा और रस्म व रिवाज से हमें बचाते हुए लानत जो कैंसर की बनी है उससे अल्लाह तहफूज रखे हमें भी माशरे को भी और उससे अमन और शांति का ये गहवारा जो है ये हमारा बना रहे समाज बना रहे टूटे वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें